देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो बिन बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता हो। देश का एक भी प्रधानमंत्री बता दे। बलात्कार को बढ़ावा देने वाली तरक्की पे ले गए हैं, बलात्कारियों का सहयोग करने वाली तरक्की पे ले गए हैं, तेल मालिश करने वालों का सहयोग करने की तरक्की पे ले गए हैं, यही विकास हुआ है। अरे भाई क्या लगी फटने खैरात लगी बटने, जो हिमाचल में जबाना जब्त, हरियाणा में जबाना जब्त, राजस्थान में जबाना जब्त, कर्नाटक में जबाना जब्त, आपके आसाम में जबाना जब्त। बीजेपी वालों का काम है दहशतगर्दी, अफवाह और झूठे तंत्र का प्रयोग करना। कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, अरे इन लोग के पप्पा हो गए हैं संघ परिवार के और बीजेपी के। कि जब घर छोड़ के निकले थे तो साधारण हाई स्कूल की डिग्री थी, यानी 10वीं पास थे, बामुश्किल। तो भैया ये बीए कहाँ से किए, इंटर कहाँ से किए और जो है एमए कहाँ से किए, तन ये हमको समझा दीजिए, हमारे समझ में नहीं आ रहा। संघ परिवार पूरा देश पर बोझ है। अजय मिश्र टैनी बैठा था, वो गुंडा नहीं दिखाई दे रहा था, वो तस्कर इनको दिखाई नहीं दे रहा था। पहली बात तो मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत पूरे भारतीय नागरिकों को और पूरे विश्व समुदाय को दीपोत्सव के पावन पर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं ये अनुरोध करता हूँ ईश्वर से, प्रभु राम लला से, कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप उलूल जुलूल कामों को करना छोड़ दें, देश हित का काम करें और ये महंगाई को कंट्रोल करें, देश की जनता का तेल मत निकालें। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उलूल जुलूल की काम कर रहे हैं, वो जाके बॉर्डर पे जवानों से मिल रहे हैं, ये उलूल जुलूल काम है? आपको मैं बता दूं, ये आज पहले प्रधानमंत्री देश के नहीं हैं, मेरी भी उम्र जो है 16 साल का, मैं लवंडा नहीं हूँ, मैंने तमाम प्रधानमंत्री देखे हैं, कम से कम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के, समझ रहे हैं, और इनको तक देख रहा हूँ, लेकिन देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो बिन बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता हो। देश का एक भी प्रधानमंत्री बता दें। दोस्ताना है तो नहीं जाएगा दोस्त, आप बता दीजिए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए। हमारे देश के माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कभी गए 10 सालों में पाकिस्तान? जो हमारे देश में जो कील ठोक रहा, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा, आप उसकी तरफदारी करोगे? मनमोहन सिंह के तो कहते हैं क्या नाम है, क्यों तो आदेश नहीं मिला होगा दर्जन जब से, तो कैसे जाते हैं? उनको तो आदेश चाहिए था ना। किस कौन कहता है? सरकार बीजेपी वाले यही तो कहते हैं उनको। बीजेपी वालों का काम है दहशतगर्दी, अफवाह और झूठे तंत्र का प्रयोग करना। अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि 99 साल के लीज पर हिंदुस्तान को दिया है अंग्रेजों ने, आज़ादी मिली थी 99 साल की, इन्हीं की है ना। अब पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदावार है, जिसके पास बौद्धिक ज्ञान की कमी है, जो सरस्वती विहीन है वो कुछ भी कह सकता है। कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, अरे इन लोग के पप्पा हो गए हैं संघ परिवार के और बीजेपी के। हाँ, सीरियस कहाँ ले रहा है कोई? सीरियस कहाँ ले रहा है? क्या क्वालिफिकेशन है भाई साहब? अब मैं आप ही इस पत्रकार हैं, आपसे पूछ लेता हूँ क्या क्वालिफिकेशन? पत्रकारिता में पीजी है। पीजी है। राहुल गांधी क्या डिग्री है जानते हैं? ग्रेजुएट है, साधारण ग्रेजुएट हैं वो, एमफिल हैं, पायलट की डिग्री है, गोताखोरी की डिग्री है। एमए किए हुए हैं? कौन सा? पॉलिटिकल साइंस से किए हुए एमए। अच्छा, पहले वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए करते हैं, उसके बाद बीए करते हैं, उसके बाद हाई स्कूल करते हैं, यही है ना। राजीव शुक्ला का वो ओरिजिनल इंटरव्यू देख लीजिएगा, कि जब घर छोड़ के निकले थे तो साधारण हाई स्कूल की डिग्री थी, यानी 10वीं पास थे, बामुश्किल।
तो भैया ये बीए कहाँ से किए, इंटर कहाँ से किए और जो है एमए कहाँ से किए, तन ये हमको समझा दीजिए, हमारे समझ में नहीं आ रहा। दिखा दी उन्होंने अपनी उम्र 55 की और दिल 55 वाली डिग्री है क्या, वो कादर खान की पिक्चर वाली। अमित शाह एक बयान देते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो देश पर बोझ है। तो अमित शाह के लड़के जैसा देश के प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी, इनको भी अनपढ़ों को इस श्रेणी में रख लीजिए, ये भी देश पे बोझ है। ये देश पे बोझ है, हाँ, संघ परिवार पूरा देश पे बोझ है। इनके चाहने वाले तो कहते हैं कि आज मोदी और सीएम योगी इन्हीं लोगों ने देश को तरक्की पे के रास्ते पे ले जा रहे हैं। कौन सा चीरहरण करने की वाली तरक्की पे ले गए हैं, बलात्कार को बढ़ावा देने वाली तरक्की पे ले गए हैं, बलात्कारियों का सहयोग करने वाली तरक्की पे ले गए हैं, तेल मालिश करने वालों का सहयोग करने की तरक्की पे ले गए हैं, यही विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि अमित शाह दूरबीन लेकर गुंडे को खोज रहे हैं यूपी में, मगर नहीं रहे गुंडे। उनके बगलिये में अजय मिश्र टैनी बैठा था, वो गुंडा नहीं दिखाई दे रहा था, वो तस्कर इनको दिखाई नहीं दे रहा था। अपराध साबित नहीं है ना अभी, योगी जी करें अपराध कहाँ साबित हुआ कि माना जाए अपराधी उसको। अच्छा, अपराध कब साबित होगा, जो इतने लोगों को जीप से कुचल दिया है तो वो कब तक साबित होगा। पेगासस वाले पे जांच निगरानी कमेटी गठन हो गया, नानुकुर करते रहे, जांच पुलवामा सैनिकों के सीआरपीएफ जवानों के हत्या का हो गया, पूरी हो गई। पठानकोट एयरबोस बेस पे हमला होता है और आईएसआई को सौंपा जाता है जांच, यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री चतुर्वेदी जी। जनता तो प्रधानमंत्री के साथ है ना, 56 इंच के सीने के साथ है ना जनता। आप जैसे जनता साथ होगी भाई साहब, इस देश की 100% जनता इनके साथ नहीं है। तो सरकार में पूर्ण बहुमत कैसे भाई साहब, कमला हैरिस ने जो इनको उपदेश दिया था, विदेशियों को छोड़िए अपने देश मैं अब ना। अरे अप्रवासी भारतीय हैं, उनके नाना आईएएस अफसर हुआ करते थे, यह आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। आपकी जर्मनी की चांसलर ने जिस तरह से चेहरा दिखाया है वो आपको ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान नहीं, अंग्रेजी आती है आपको। अरे अंग्रेजी आती है, अपने देश को लोग साथ है ना, प्रधानमंत्री को अपने तो यहीं पर अपने ना, के साथ मिलना है ना। पूरे विश्व समुदाय की निगाहों में राहुल गांधी ऐसे इटली चले जाए क्या, वो बताइए ना जरा, इटली के लोग वोट करेंगे क्या? इटली के लोग वोट करेंगे तो मतलब दौरा करते रहते ना राहुल गांधी इटली, भाई उनका ननिहाल हो जाएंगे, नहीं वो आपके घर जाए ननिहाल मनाने, प्रधानमंत्री नानी तो देश के लोग प्रधानमंत्री के साथ है ना। देश के लोग नहीं, प्रधानमंत्री के साथ है। बेईमानी से चुनाव जीता गया था 2019 का, कोई ऐसा काम नहीं था जो इस तरह से था। पेगासस में 350 लोगों का जो है जासूसी कराई गई थी, इसकी क्या जरूरत थी, क्या हो सकता थी। पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए मोदी जी ने, कोई एहसान किए हैं आज तो खुशियाँ दे सकते हैं लोग, बिल्कुल नहीं देंगे। कम से कम आपने इतने दिन 40-50 रुपया बढ़ा करके कीमत आज 10-5 रुपया आप कम कर रहे हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहा। अरे कुछ तो कर रहे हैं, बढ़ी रहा था घट गया, बड़ी रात है घट गया ना, कुछ मजबूरी हुई है। कैसी मजबूरी है? अरे भाई क्या लगी फटने खैरात लगी बटने, जो हिमाचल में जबाना जब्त, हरियाणा में जबाना जब्त, राजस्थान में जबाना जब्त, कर्नाटक में जबाना जब्त, आपके आसाम में जबाना जब्त नहीं दिख रहा आपको? हाँ बिहार नहीं दिख रहा है आपको? बिहार में किस तरह से चुनाव जीता है नीतीश कुमार ने, जहाँ हार जाए वहाँ पे बेईमानी हुई है, जहाँ जीत जाए वहाँ सब कुछ। नीतीश कुमार जैसा बेईमान और भ्रष्ट शासनाध्यक्ष नहीं दिखाई देगा। जनता ने वोट तो दिया ना, जिताया। अरे कहीं कुछ नहीं जिताया, कैसे जीते? 50 सीट ही जबरदस्ती जीते हैं सब, बात कर रहे हैं उपचुनाव में हार की वजह से है क्या पेट्रोल डीजल? और क्या भाई, वो जयराम ठाकुर कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे हिमाचल वाले, उन्होंने क्या कहा कि देश में बढ़ती महंगाई का नतीजा ये हार है। समझ में आ गया मोदी जी को क्या? पूरे भाजपा को समझ में आ गया कि अब हम यहाँ तक, इन भाजपा में एक सूचना जारी हुई अंदर खाते, आप लोगों को नहीं पता है,
कि जनता के बीच बिना सुरक्षा के आप लोग न जाएं। तो गुंडाई करिएगा, इसीलिए तो जारी हुआ है, रोड पर गुंडाई करिएगा। कौन गुंडाई कर रहा भैया? सुरक्षा किस लिए रहेगी, इसलिए तो जनता जनता स्वागत करने के लिए तैयार है। और किस रूप में स्वागत करेगी, अब ईश्वर मालिक है, या आपकी भाषा के अनुसार स्वागत करेगी, या किस रूप में फूल माला लाद के स्वागत करेगी। फूल माला दो ही दिन चलता है, चढ़ता है, या तो अर्थी पर चढ़ता है, या तो माला के रूप में चढ़ता है, या पूजा के रूप में चढ़ता है। अब किस रूप में चढ़ेगा आपको, आप जनता जनार्दन बताएं। आप अर्थी की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रही है, आप उसके साथ खुशी मना लेना, चुनाव बाद इस पर डिस्कस कर लेना कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। अब बन गई तो आप फिर कहेंगे बीमारी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। योगी जी 350 प्लस कह रहे हैं, तो आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है योगी जी के, वोटरों से तो आ रहा होगा। योगी जी की दुकानदारी साफ हो गई है, भयभीत हैं कि मैं, मेरी सरकार नहीं बनी तो मेरा क्या होगा। वहाँ किसकी सरकार बनेगी, हिंदू कैसी सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, ब्राह्मण है, कम से कम तो सपोर्ट करिए। भैया मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा धर्म सनातन धर्म है।